करते हैं बाइबल क्लास के नाम, एक दूसरे के साथ हम लोग ऑनलाइन के द्वारा हम लोग जुड़ने पाए हैं और उन्हीं के साथ में आज सबों का सुंदर स्वागत के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जब से लॉकडाउन आरंभ हुई है मैंने बहुत ऑनलाइन ऐसे कार्यक्रम मैंने किया है, लेकिन ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है ऑनलाइन में भी मेरा हाथ धोकर और फूल का गुच्छा देकर हमारा स्वागत किया गया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबों का ऐसे प्यार के लिए, स्वागत के लिए एक बार फिर से पूरे पेरिस को, स्वागत दल को, युवा संघ को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरा नाम है पादरी फिल्मोन्तिका, रांची पेरिस धर्म मंडली, और मैं वर्तमान में डायसिस युवा संघ के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं सेवा दे रहा हूँ। तो यही मेरा परिचय है और आइए हम लोग क्लास में हम लोग जाएं। और इससे पहले कि हम लोग क्लास में हम लोग जाएं, हम लोग प्रार्थना के साथ में ही हम लोग आज के इस विषय वस्तु को हम लोग आरंभ करेंगे। तो आइए इस समय हम लोग अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें और आइए अपने स्वरों को झुकाते हुए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। नीति वचन चार उसका चार पद वचन कहता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आमीन। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महान दया के लिए, आपकी महान अनुग्रह के लिए। प्रभु एक बार फिर के आपने आज के दिन को आपने हमारे जीवन में आपने जोड़ा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु के नाम में। एक बार फिर के आपने ऑनलाइन बाइबल क्लास के नाम, हाँ परमेश्वर पिता, आपने पूरी पेरिस के साथ हम विभिन्न मंडलियों को, पेरिसों को, जवाजूतों को आपने जोड़ा है प्रभु, ताकि एक बार फिर से पिता हम आपकी संगति कर सकें, आपके वचन की संगति कर सकें और महान परमेश्वर निश्चय आपकी महिमा के लिए हम सिद्ध और तैयार हो सकें। हम महान परमेश्वर एक बार फिर के प्रार्थना करते हैं, हमारे मध्य में तू आ और सारा नियंत्रण तू अपने हाथों में ले और हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति में हम आपके वचन पर मनन चिंतन कर सकें और सचमुच में ये कुनकुरी पेरिस युवा संघ बाइबल क्लास हम एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हम आप परमेश्वर हर एक गड़बड़ियों को, परेशानियों को, असुविधाओं को यीशु के नाम में तो आप ही दूर कर दें। ये वापिस अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, मेरे तुझ मुँह के साथ तो बातचीत कर, ताकि मेरी बातें नहीं लेकिन आपकी बातें, आपकी योजना अधिकांश पूरी होने पाए। अब तक के सारे पापों को मानते हैं, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मसीह में प्रियो, एक बार फिर कर आप सबों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद कि हमारे ऐसा मौका को दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर हम लोग मन लगा सकें और मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा के लिए हम सिद्ध और तैयार हो सकें। मसीह में प्रियो, आज संसार के लोग अलग दिखने के लिए, नाम कमाने के लिए मेरे प्रियो आज नाना प्रकार के आज कारनामे कर रहे हैं और मेरे प्रियो अलग अलग कारनामे कर रहे हैं और साथ में मेरे प्रियो आज ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसे नहीं करना है, मेरे प्रियो उठपटांग कार भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, ताकि लोग उनको क्या कर सकें, जान सकें, लोग उन्हें क्या कर सकें मेरे प्रियो, पहचान सकें। हाँ मेरे प्रियो, वे लोग अलग दिखना चाहते हैं मेरे प्रियो और निश्चय में अलग दिखने के लिए हाँ मेरे प्रियो वो किसी भी हद तक वे लोग जाने के लिए तैयार हैं कि लोग उन्हें जाने, वे लोगों से अलग दिखें। और निश्चय मसीह में प्रियो कि आज हम एक एक को अलग दिखना ही है, क्योंकि इस बात को आप पर हमको जानना है कि आप और हम अलग बनाए गए हैं मेरे प्रियो, आप और हम यूनिक बनाए गए हैं। परमेश्वर ने जब मानव जाति को रचा है मेरे प्रियो, तो निश्चय अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया है और हर एक मानव जाति को वो यूनिक बनाया है, एक अलग बनाया है मेरे प्रियो। लेकिन इसका अर्थ नहीं है मेरे प्रियो कि हम यूनिक दिखने के लिए, हम अलग दिखने के लिए, हम पहचान बनाने के लिए हम मेरे प्रियो उठपटांग काम करें, हम उठपटांग जीवन को हम व्यतीत करें। लेकिन मेरे प्रियो इसके विपरीत हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम यूनिक भरा जीवन को व्यतीत करें, हम एक अलग जीवन को हम व्यतीत करें। और वो कैसे व्यतीत करें मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन से प्रदर्शित हो, वो हमारे आचरण से प्रदर्शित हो और मेरे प्रियो हमारे कामों से वो प्रदर्शित हो कि सचमुच में हम लोग किसके लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग अलग बनाए गए हैं।
अभी मैं पादरी महोदया के वचन को मैं सुन रहा था, मत्ती 5:13-14 पद में वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो, तुम नमक हो, तुम क्या हो, तुम जगत की ज्योति हो, और जो ज्योति पहाड़ पर हो वो छिप नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ साफ वचन कहता है कि आप पर हम जो मसीही लोग हैं, आप पर हम जगत की ज्योति है, और ना केवल ज्योति है मेरे प्रियो, आप पर हम ऊंचे पर रखे गए हैं, हम ऊंचे पर ठहराए गए हैं मेरे प्रियो, और जो ऊंचे पर है वो छिप नहीं सकता। आज हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह चाहते कि हम लोग यूनिक बने, आज हम लोग अलग दिखें, आज हमारा पहचान हो, लोग हमको जाने, हम लोगों के लिए एक मिसाल बने, हम लोगों के लिए एक नमूना बने, हम लोगों के लिए एक आदर्श बने। लेकिन मेरे प्रियो, उठपटांग काम करके नहीं, जैसा तैसा जीवन को व्यतीत करके नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, वो हमारे व्यवहार से, वो हमारे आचरण से, वो हमारे जिंदगी से वो प्रदर्शित हो। मेरे प्रियो, मसीहत केवल नाम में नहीं, लेकिन मसीहत जीवन जीने में है। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि मसीहत नाम में नहीं है, लेकिन मसीहत मेरे प्रियो जीवन में है, वो जीवन जीने में है मेरे प्रियो। और आज ऐसे ही बातों को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस के माध्यम से तिमुथियुस के लिए हम लोग संदेश को हम लोग सुनने पाते हैं, जो आज मेरे प्रियो जो मूल विषय है, पहला तिमुथियुस उसका 4 उसका 12 पद, जहां मेरे प्रियो आज युवा संघ की ओर से, डायसिस युवा संघ की ओर से मेरे प्रियो इस वचन को लिया गया है जो मूल विषय के रूप में है, और इसका हेडिंग दिया गया है आदर्श बन जा। हाँ मेरे प्रियो, आदर्श बन जा। लेकिन जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहला तिमुथियुस उसका 4 उसका 12 पद जब पूरा पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, और यहाँ पर पौलुस भी तिमुथियुस को सिखाना चाह रहा है कि आज हमारे जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। लेकिन आज जो हमारा जो जवानी है, हमारा जो जीवन है, वो मेरे प्रियो लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए क्या बन जाए, एक आदर्श बन जाए, एक मिसाल बन जाए, एक नमूना बन जाए। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखने पाते हैं तो लोग मेरे प्रियो आज ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, हम रोल मॉडल बन जाए मेरे प्रियो। लेकिन किन बातों में, किन बातों में मेरे प्रियो? वचन कहता है कि हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे प्रेम में, और मेरे प्रियो विश्वास में, पवित्रता में, हमको क्या बन जाना है लोगों के लिए? आदर्श बनना है, नमूना बनना है मेरे प्रियो। और आज मेरे प्रियो इसी बातों को, हाँ परमेश्वर प्रियो, जब पौलुस मकदूनिया में है और ऐसे समय में तिमुथियुस इफिसुस की कलीसिया में है, इफिसुस की मंडली में है, और वैसे समय में तिमुथियुस को वो पत्र लिखता है और वो कहता है कि हे तिमुथियुस, तुम्हारे जवानी को कोई तुझ ना समझने पाए। मेरे प्रियो, ये पत्र को क्यों लिखा पौलुस? इसलिए लिखा मेरे प्रियो क्योंकि इफिसुस की कलीसिया में मेरे प्रियो तिमुथियुस से और भी उम्रदराज लोग थे। तिमुथियुस वहां पर कम उम्र का एक युवा प्रचारक था, और मेरे प्रियो उससे बहुत सारे उम्र दराज थे, उनसे उम्र में बड़े लोग थे। और ऐसे समय में मेरे प्रियो बड़े उम्र वालों के बीच में मेरे प्रियो छोटे उम्र के लोगों को तुच्छ ना समझा जाए, उन्हें मेरे प्रियो बेकार ना समझा जाए। और मेरे प्रियो वहाँ पर बड़े उम्र वालों के बीच में कम उम्र वाले लोगों को भय हो जाता है मेरे प्रियो। और तब जब वहाँ पर मेरे प्रियो जब धनवान लोग थे, जब प्रभावशाली लोग थे, और यहाँ पर मेरे प्रियो ये स्वाभाविक बातें थी कि वहाँ पर तिमुथियुस के लिए क्या उत्पन्न हो गया था, भय उत्पन्न हो गया था। और ऐसे समय में वहां पर पौलुस वहां पर धारस दे रहा है कि जो भी कि तुम उम्र में क्या हो, उन लोगों से तुम छोटे हो, उम्र में तुम क्या हो, तुम उनसे कम हो, लेकिन तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे आचरण से क्या हो जा, तुम उनके लिए नमूना बन जा, तुमके लिए आदर्श बन जा। पौलुस वहां पर तिमुथियुस को यह बतलाना चाह रहा है कि जो झूठे शिक्षक है वे मात्र केवल शिक्षा देते हैं, लेकिन जो एक सच्चा शिक्षक है ना केवल वो शिक्षा देता है, लेकिन अपने जीवन से एक मिसाल पेश करता है,
एक उदाहरण पेश करता है, विश्वासियों के लिए, लोगों के लिए एक नमूना बनने का, एक आदर्श बनने का वो प्रयास करता है। हाँ मेरे प्रियो, एक और वहां पर विषम परिस्थिति थी। इपोशित के कलिशा में बहुत सारे झूठे प्रचारक थे जो झूठी बातों को फैला रहे थे, मेरे प्रियो विश्वास से भटकाने वाली बातों को कर रहे थे। और ऐसे समय में मेरे प्रियो तिमुथियुस को पौलुस ने जिम्मेदारी दिया कि वे लोग इपोशित के विश्वासियों की वे लोग रखवाली करें, उनकी हिफाजत करें। और वो कैसे करें? वो अपने व्यवहार से, वो अपने जिंदगी से मेरे प्रियो करें। और सचमुच में मेरे प्रियो, आज आपके लिए, हमारे लिए भी मेरे प्रियो आज बहुत ही आवश्यकता है कि इन बातों को तिमुथियुस के जैसा आज हम मेरे प्रियो आज हम गहराई से हम इन बातों को अपने जीवन में हम लागू होने दें। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस का इच्छा था कि जो तिमुथियुस है वो लोगों के लिए क्या बने? एक आदर्श बने, एक नमूना बने। मेरी प्रियो, आज हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है कि आज जो हमारा जीवन है, हमारा जो जवानी है, हाँ मेरे, हमारा जो मसीहत है वो लोगों के लिए एक नमूना बने, लोगों के लिए मेरी प्रियो एक एग्जाम्पल बने, लोगों के लिए जो मसीहत है, जो जवानी है मेरी प्रियो, वो रोल मॉडल बने मेरी प्रियो, जिससे कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। मत्ती 5 उसका 16 पद वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है लोग क्या करेंगे? महिमा करेंगे। उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग क्या करेंगे? महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, मैंने शुरू में ही कहा कि आज लोग यूनिक देखने के लिए, लोग अलग दिखने के लिए आज कुछ भी करने के लिए क्या है? तैयार है। हाँ मेरे प्रियो, वो लोग उठपटांग काम करने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारा परमेश्वर आज ये चाहता है मेरे प्रियो कि आज हम अपने बोली से, हम अपने चाल चलन से, हम प्रेम से, हम विश्वास से और पवित्रता से हम क्या बने? हम लोगों के लिए हम आदर्श बने, हम नमूना बने मेरे प्रियो। और ऐसा हमारा परमेश्वर भी चाहता है मेरे प्रियो कि आज मसीहों का जीवन कैसा होना चाहिए, हम जवानों का जीवन आज कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो, हम मसीहों का जीवन कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, इपीसी 5 उसका 10 पर वचन कहता है कि तुम अपने आप को याद परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ मेरे प्रियो, वचन ये कहता है इपीसी 5 उसका 10 पद में कि तुम ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, ना कि हमको क्या भाता है, लोगों को क्या भाता है, लेकिन वचन ये कहता है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और उसी को मेरे प्रभु जब हम लोग वचन में देखते हैं, दूसरा कोरिन्थ 5 उसका 9 पद, वहां पर भी वचन कहता है चाहे हम जहां कहीं रहे, चाहे हम अलग रहे, चाहे प्रभु के निकट में रहे, हम प्रभु को भाते रहे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हम एक एक को अंधकार से अलग किया है, आज मेरे प्रियो आज हम एक एक को संसार से छुड़ा लिया है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी सके। और इस जीवन से हाँ मेरे प्रियो लोगों को एक संदेश मिल सके, लोगों को मेरे प्रियो एक मैसेज मिल सके कि आप और हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण लोग नहीं है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के बच्चों में क्या होता है? उनका चाल चलन, उनका जिंदगी, हाँ मेरे प्रियो एक गवाही का जीवन होता है। हाँ मेरे प्रियो, इपीसी 5 उसका 8 पद में वचन कहता है कि पहले तो तुम अंधकार थे, पहले तो तुम अंधकार थे और अंधकार के संतान के अनुसार चलते थे, परंतु तुम अब ज्योति हो और तुम अब ज्योति के संतान के समान चलो। हाँ पहले तुम अंधकार थे और तुम अंधकार के समान तुम चलते थे, लेकिन अब तुम ज्योति हो, तुम ज्योति के संतान के समान चलो। और इसी बात को मेरे प्रियो वहां पर पौलुस भी तिमुथियुस से वही चाह रहा है कि इपीसी कलिसिया में जो भी कि वो उम्र में छोटा है, लेकिन वो युवा प्रचारक है, और ऐसे समय में उसके जीवन को उसके उम्र के कारण से उसे लोग तुच्छ ना समझने पाए, लेकिन मेरे प्रियो उनके चाल चलन से, उनके बोली वचन से, हाँ मेरे प्रियो उनके रहन सहन से, उनके पवित्रता से मेरे प्रियो मसीहत दिखलाई देने पाए। हाँ मेरे प्रियो, जिससे कि परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा होने पाए। मेरे प्रियो आज आपके लिए, हमारे लिए इन बातों को आज बहुत ही मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्या आज लोग आपके जीवन को,
आज लोग मेरे प्रभु पहचानते हैं, आज लोग आपके जीवन को लोग आज पढ़ते हैं मेरे प्रभु। सचमुच में मैं जब जवानों के बीच में जाता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि जो संसार के जो लोग हैं ना, उन्हें लोग अलग अलग तरीका से लोग जानते हैं, मुसलमानों को लोग उनके टोपी से जानते हैं मेरे प्रियो, हाँ, और मेरे प्रियो सिख को उनके पगड़ी से लोग जानते हैं, हाँ, मेरे प्रियो हिंदुओं को लोग जानते हैं उनके हाथों में जो धागा बंधा हुआ है, उनके जो माथे पे जो तिलक है लोग उनसे जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज हम मसीहों को लोग किससे जानते हैं? आज हम मसीहों को मेरे प्रियो हमारे जीवन शैली से जानते हैं, हमारे व्यवहार से जानते हैं मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन शैली में, हमारे आचरण में मसीहत दिखलाई देने पाए। दूसरा कोरिन्थ उसका तीसरा अध्याय उसका दो पद को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर वचन कहता है कि आप और हम मसीह यीशु के पत्री हैं, और जिसे सब लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे प्रियो हम मसीह जो लोग हैं, हम लोगों को मेरे प्रियो सब लोग क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं मेरे प्रियो, और आपको पहचानते हैं कि हम कौन लोग हैं। हम लोग मसीही लोग हैं, और मेरे प्रियो लोग हमको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और किन बातों में पढ़ते हैं? हाँ मेरे प्रियो, कि सचमुच में हम लोग मसीही लोग हैं, सचमुच में हम लोग अंधकार से छुड़ाए हुए लोग हैं, सचमुच में हम परमेश्वर को भाता हुआ जीने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो हमारे चाल चलन में देखना चाहते हैं, हमारे बोली वचन में देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, हमारे कामों में देखना चाहते हैं, क्या सचमुच में आज हम लोग मसीही लोग हैं। और ऐसे समय में मेरे प्रियो आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हमारा जीवन लोगों के लिए एक मिसाल होने पाए, हमारा मसीहत केवल मेरे प्रियो नाम में ना होने पाए, लेकिन हमारा जो मसीहत है वो हमारे जीवन में होने पाए, हमारे जिंदगानी में होने पाए, हमारे आचरण में होने पाए मेरे प्रियो। और तब जाके हमारा जीवन, हाँ मेरे प्रियो, लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए एक आदर्श होगा, एक नमूना होगा। मेरे प्रियो बहुत बार आप और हम, हाँ मेरे प्रियो, लोगों को क्या बनाते हैं, हम अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, हम लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज उससे आपको और हमको अलग सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है, आपको यूनिक बनाया है मेरे प्रियो। संसार में लोग आज अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन लोगों में आप और हम अलग बनाए गए हैं मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर चाहता है कि आज हमारा जीवन भी लोगों से अलग होने पाए। किन बातों में? मसीहत में अलग होने पाए मेरे प्रियो। और जब ऐसा होगा मेरे प्रियो, सचमुच में हम विश्वास जाने कि आज हमारा जीवन लोगों के लिए एक आदर्श होगा, लोगों के लिए एक नमूना होगा मेरे प्रियो। और इसी बात को पौलुस वहां पर सिखलाना चाह रहा है कि सचमुच में तुम लोगों के लिए क्या बन जा, एक नमूना बन जा। और किन बातों में? बोली में, बोली वचन में क्या बन जा, तुम नमूना बन जा। मेरे प्रियो आज संसार के लोग, मेरे प्रियो, सड़क छाप बात करते हैं, मेरे प्रियो आज संसार के लोग, हाँ मेरे प्रियो, उठपटांग बातें करते हैं। लेकिन क्या आज आप और हम मसीही होकर, आज हम लोग मसीही जवान होकर, क्या आज आप और हम भी, क्या आज हम सड़क छाप बोली का आज हम प्रयोग करें? क्या आज जिस तरह से संसार के लोग आज बात करते हैं, बोली बोलते हैं, क्या आज आप और हम भी उस पर हम बात करें? मेरे प्रियो आज आप और हम ऐसे बोली बात नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसका 11 पद वचन कहता है कि जब हम बोले तो ऐसा बोले कि हम प्रभु के वचन को बोल रहे हैं। 7वां वचन कहता है मेरे प्रियो कि आपके मुख से जो बातें निकलती है वो लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। और जब हम बोलते हैं मेरे प्रियो तो वैसा होने पाए कि सचमुच में, हाँ, हम मसीह को ग्रहण किए हैं, हम आत्मिकता में है। मेरे प्रियो जो हमारी जो बोली है, हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे इंसानियत को प्रदर्शित करता है कि हम लोग कैसे इंसान हैं। मैं एक किताब में मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, और उस किताब में मैं इस बात को पढ़ रहा था कि इंसान जो है वो दुकान है, और जो जुबान है वो उनका ताला चाबी है मेरे प्रियो। इंसान जो है वो क्या है, पूरा दुकान है, और जो उसका जुबान है वो क्या है, उसका चाबी है। और जब मेरे प्रियो वो ताला है, और जब वो जब खुलता है, हमें मेरे प्रियो जो जुबान है, मेरे प्रियो जो जुबान है वो क्या है, ताला है मेरे प्रियो। और जब ताला खुलता है
जब ताला खुलता है मेरे प्रियो, तभी पता चलता है कि दुकान में ये या क्या चीज का ये दुकान है, ये सोने का दुकान है या तो कोयले का दुकान है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात को वो कहा था मेरे प्रियो कि जो इंसान है वो दुकान है और जो उसका जुबान है वो ताला है, और जब दुकान का जब ताला खुलता है तब ये पता चलता है कि दुकान में क्या क्या है, ये किस चीज का दुकान है, ये सोने का दुकान है या तो कोयले का दुकान है। और इसी तरह से मेरे प्रियो, आज आपके लिए हमारे लिए आज हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि हम लोग मसीही लोग हैं मेरे प्रियो, आज जब हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, जब अंधकार से छुड़ाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, तो हमारे बोली में आज परिवर्तन होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, हम जैसे तैसे हम सड़क छाप बात नहीं कर सकते हैं, लोगों के जैसा हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आज हमारे बोली में आज परमेश्वर का वचन होना आज बहुत ही जरूरी है। वचन साफ साफ कहता है याकूब 1:26 पर, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, मैं परमेश्वर का भक्त हूं, और वो अपने लगाम अपने जुबान पर लगाम ना दे, तो वो अपने हृदय को क्या करता है, धोखा देता है। वो अपने हृदय को धोखा देता है, और जो उसकी जो भक्ति है वो क्या है, व्यर्थ है, उसकी भक्ति है वो बेकार है। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को कहते हैं कि हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जान गए मेरे प्रियो, तो सचमुच में हमारे बोली में वो आत्मिकता, वो धार्मिकता, वो प्रकट होना चाहिए। और इसी बात को वहां पर पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि तुम इफिसुस में हो, तुम्हारे लिए बड़ी चुनौती है कि वहां पर झूठे प्रचारक लोग काम कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम्हारे उम्र के कारण से कोई इफेक्ट ना होने पाए, लेकिन तुम्हारे जिंदगी से मसीहत प्रदर्शित होने पाए। गलाती 2:20 पर में वचन कहता है कि अब मैं नहीं जीता हूं, लेकिन मुझ में कौन जीता है, यीशु मसीह जीता है। हाँ मेरे, वचन साफ साफ वहां पर कहता है कि मेरे जीवन में अब मैं नहीं जीता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कौन जीता है, यीशु मसीह जीता है। और इसी बात को पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि इफिसुस के कलीसिया में लोग तुम्हारे बोली में किसको देखें, यीशु मसीह को देखें, तुम्हारे बोली में यीशु मसीह को जाने। हाँ मेरे, मैंने पहले ही कहा दूसरा कोरिन्थ का 3:2 पद में कि लोग क्या करते हैं, हम यीशु मसीह के जो पत्री हैं लोग उसे पहचानते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, हमारी बोली में लोग क्या करने पाए, यीशु मसीह को पहचानने पाए, पढ़ने पाए मेरे प्रियो, कि सचमुच में आज हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है, लेकिन सचमुच में हम लोग अलग किए हुए लोग हैं और परमेश्वर के मार्ग में हम लोग चलने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए आज बहुत ही सोचने की आवश्यकता है कि जब आप और हम जब मसीही लोग हैं, हम संसार की भाषा बोले या तो आज हम आत्मिकता का भाषा बोले या आज हम परमेश्वर का भाषा बोले मेरे प्रियो। आज बहुत मैं जवानों को देखता हूँ, हाँ मेरे प्रियो, कि आज वे मसीह तो हैं लेकिन उनके जबान में मेरे प्रियो आज बहुत सारी आज इतनी बुरी बुरी बातें, आज गंदी गंदी बातें आज उनके मुखों से आज सुनाई देती है। जो बातें मेरे प्रियो उसके मुख से निकलना नहीं चाहिए, ऐसी बातें मेरे प्रियो आज बुरी बुरी और गंदी गंदी बातें आज हम मसीहों के मुख से भी बहुत बार क्या करती है, निकलती है। मेरे प्रियो, मैंने शुरू में ही कहा जब हमारा जब जुबान खुलता है तब पता चलता है कि हम लोग किस तरह के हम लोग इंसान हैं, हम लोग कैसे इंसान हैं, हम लोग कितना आत्मा में है, कितना पानी में है, हाँ मेरे प्रियो ये हमारे जुबान है ना वो प्रकट कर देता है। और इसीलिए आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम सचमुच में अपने जुबान को हम बहुत ही नियंत्रण रखें मेरे प्रियो। और मैं एक बात को मैं पढ़ा था, किसी ने खूबी कहा है कि जुबान में क्या अद्भुत शक्ति है, जुबान में क्या अद्भुत शक्ति है कि कड़वा बोलने वालों का हाँ मेरे प्रियो शहद भी नहीं बिकता है। मैं पढ़ रहा था कि जुबान में क्या अद्भुत शक्ति है कि कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता है और मीठा बोलने वालों का मिर्चा भी बिक जाता है। हाँ मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात वहां पर कहा हुआ था कि जुबान में वो ताकत होता है, वो अद्भुत सामर्थ है मेरे प्रियो कि कड़वा बोलने वालों का जो मधु है वो मधु भी नहीं बिकता है, लेकिन मीठा बोलने वालों का मेरे प्रियो मिर्चा भी आसानी से बिक जाता है।
और मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपको और हमको आज बढ़ाया है मेरे प्रियो कि आज लोग जब आपके जीवन को जब पढ़ते हैं, लोग जब आपके जीवन को मेरे प्रियो जब आपको पहचानते हैं, आज आपका जीवन प्रेम भरा जीवन होने पाए। और जब ऐसा होगा मेरे प्रियो, हमारा जीवन लोगों के लिए आदर्श होगा, लोगों के लिए एक नमूना होगा मेरे प्रियो। एक बात को और बोल के मैं अंत करना चाहूँगा मेरे प्रियो इस वचन के बारे में मेरे प्रियो, उसके बाद हम लोग और भी हम लोग सुनेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर देख से पाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जिसमें हम सबों से कहता है मत्ती 12 उसका 34 पद में मेरे प्रियो, मत्ती 12 उसका 34 पद में कि मनुष्य के हृदय में जो कुछ भरा होता है वही बाहर निकलता है। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य के हृदय में जो कुछ रहता है वही बाहर निकलता है। और मेरे प्रियो आपके मन से, आपके मुख से जो निकलता है ना, वही है जो आपके मन में भरा है। यदि आपके जीवन में आत्मिकता भरा है, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, तो आपके जीवन में वही बातें निकलेगी। और इसीलिए मेरे प्रियो आइए आज हम एक एक को, जब परमेश्वर ने मेरे प्रियो आज आपको ज्योति का संतान बनाया है, और पहला पत्रस 2 उसका 9 पद में वचन कहता है कि तुम सब याचकों का समाज हो, तुम अंधकार से छुड़ाए हुए लोग हो, तो तुम ज्योति के गुण को प्रकट करो। आज आपको और हमको ज्योति का गुण को क्या करना है, प्रकट करना है, अपने बोली से भी ज्योति के गुण को प्रकट करना है मेरे प्रियो। और इसीलिए जब भी आज हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे प्रियो ना केवल जवानों को, लेकिन आज हम मसीहों को भी मेरे प्रियो आज बहुत बार आज सोचने की आवश्यकता है। बहुत मैं देखता हूं मेरे प्रियो हमारे बीच में, हमारे प्रियो जब मीटिंग की बातें होती है, जब कुछ कार्यक्रम की बात आती है मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग ऐसे उठपटांग बातों को हम करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जिस बातों को हम लोग को करना नहीं चाहिए, हमें उस बात को हम लोग कहें लेकिन कैसे करें, हम लोग बहुत ही सलीके से। लेकिन मेरे प्रियो हम उस समय हम लोग नहीं सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, और मन में जो आया हम कह देते हैं मेरे प्रियो। और नीति वचन 12 उसका 18 पद में वचन कहता है कि लोगों का बिना सोचे समझे बोलना तलवार के समान चुभता है। हाँ मेरे प्रियो, लोगों का बिना विचार का बोला हुआ तलवार के समान क्या करता है, चुभता है। और मेरे प्रियो ऐसी भाषा आज आप और हम मसीह होकर हम मेरे प्रियो आज हम ना करें, हम जवान होकर ऐसा ना करें मेरे प्रियो। आज विशेष रूप से जवानों के लिए आज बहुत आवश्यकता है कि आज जवानों के द्वारा भी परमेश्वर आज क्या चाहता है कि आज परमेश्वर का वचन आज प्रचार हो सके। आज आप स्कूल जाते हैं, आज आप कॉलेज जाते हैं, आज आप काम जाते हैं, और उस समय मेरे प्रियो आज आपके टच में बहुत सारे अन्य लोग रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और ऐसे समय में मेरे प्रियो आज आपकी बोली से लोगों को जानना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं मेरे प्रियो। हाँ आज हम कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, विभिन्न स्थानों पर हैं, और वहाँ पर मसीही लोग बहुत कम हैं, हम अन्य लोगों के बीच में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे समय में मेरे प्रियो आज आपका बोली, आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए कि लोग आपको जान सके कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति मसीह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। आज लोगों को ये होना चाहिए मेरे प्रियो। बोली के संबंध में एक बात को बोल के मैं दूसरे पॉइंट में मैं जाना चाहूँगा मेरे प्रियो। एक बात को मैं पढ़ रहा था और मैं उस पर को पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छी बातें मैं वहाँ पर लिखा हुआ था मेरे प्रियो कि सचमुच में जवान में वो ताकत होती है, बोली में वो ताकत होती है मेरे प्रियो, वाणी में वो लफ्ज वो चीज़ है मेरे प्रियो जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जुबान में वो ताकत है, लफ्ज में वो ताकत है, बोली में वो ताकत है मेरे प्रियो जिसके द्वारा लोग या तो हमारे दिल में उतर जाते हैं या तो दिल से उतर जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज आपके लिए हमारे सोचने की बात है कि जिस जगह में आप हम रहते हैं, हम जवानगंज जिस स्थान पर हैं, हम कैसी हम बातों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कैसी हम बोली का हम प्रयोग कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप बोलते हैं तो क्या लोग आपके दिल में उतर जा रहे हैं या तो मेरे प्रियो आपके दिल से उतर जा रहे हैं। आज मसीहों का जीवन ऐसा होने पाए मेरे प्रियो कि लोग आपके दिल से ना उतर जाए लेकिन आपके दिल में उतर जाए। हाँ, और इसके लिए आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम वैसा जीवन को व्यतीत करें। और जब ऐसा जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, सचमुच में निश्चय हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। और इसी के साथ में मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो कि हमारा जो चाल चलन है वो मसीह के योग्य हो।
कुलुसी उसका 1 और उसका 10 पद को देखते हैं, मेरे प्रवचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के योग्य हो। मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन मसीह के योग्य हो। मैंने शुरू में ही कहा मेरे प्रियो कि लोग आज अलग दिखने के लिए, लोग यूनिक दिखने के लिए, लोग अपना पहचान बनाने के लिए, लोग आज कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है, वे लोग उठपटांग काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप और हम ऐसे कामों को नहीं कर सकते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने बोली से हम क्या करें, हम नमूना बने। अपने चाल चलन से हम क्या बने मेरे प्रियो, हम नमूना बने। हमारा चाल चलन आज कैसा है मेरे प्रियो, आज देखने की हो सकता है, मंथन करने की हो सकता है मेरे प्रियो। आज हम मसीहों का जीवन क्या होता जा रहा है, बदलता सा जा रहा है। हम हैं तो कुछ और, लेकिन दिखते कुछ और हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज के वर्तमान परिस्थिति में हम मसीहों का जीवन क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है मेरे प्रियो। हम हैं कुछ और, लेकिन दिखते कुछ और हैं। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, कुलुसी 1:10 कि जो तुम्हारा चाल चलन है वो मसीह की योग्य हो। हाँ, हमारा जो चाल चलन है वो संसार की योग्य नहीं, लोगों के जैसा नहीं, लेकिन हमारा चाल चलन मसीह की योग्य हो। मेरे प्रियो, आज मैं जवानों से मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि आज लोग हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को अपना आदर्श मान रहे हैं, लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। कोई सलमान खान को रोल मॉडल मान रहा है, तो मेरे प्रियो कोई आज शाहरुख खान को मान रहा है, कोई मेरे टाइगर श्रॉफ को मान रहा है, तो कोई मेरे प्रियो सुष्मिता सेन को मान रहा है, तो मेरे प्रियो आज नाना प्रकार के हीरोइन को लोग मेरे प्रियो आज क्या बना रहा है, अपना रोल मॉडल बना रहा है, अपना आदर्श बना रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आपको और हमको जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आज आपका आदर्श कौन है, हमारा आदर्श यीशु मसीह है। आज हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो फिल्मी सितारों को देखते हैं, क्या देखते हैं, उनका कटिंग कैसा है, उसका बाल का हेयर स्टाइल। आज हम लोग तुरंत अपने बाल को क्या कर लेते हैं, उनके कट में कर लेते हैं। थोड़ा दिन पहले आया था फिल्म, आया था गजनी, लोग गजनी कट काटना शुरू कर दिए थे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग जैसा देखते हैं कि हाँ सलमान खान ने ऐसा किया था, फटा हुआ पैंट पहना था, हम भी आज अपना फटा हुआ पैंट पहनना शुरू कर देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग थोड़ा सा गौर करें कि हम लोग हैं कौन लोग। आज हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है मेरे प्रियो, हम ज्योति की संतान है, हम मसीह लोग हैं मेरे प्रियो। और आज निश्चय आज हम लोग जब अनुसरण करते हैं तो आज हम संसार के लोगों का अनुकरण ना करें, लेकिन मेरे प्रियो आज हम प्रभु का अनुकरण करें, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारा आदर्श, हमारा रोल मॉडल ना सलमान खान, ना तो टाइगर श्रॉफ, ना तो सुष्मिता सेन, हाँ मेरे प्रियो ना दीपिका पादुकोण, लेकिन हमारे जीवन का आदर्श कौन होना चाहिए, हमारा यीशु मसीह। वचन साफ साफ कहता है कि हम मसीह के योग्य क्या करें, हम चाल चलन चलें। हमारा चाल चलन कैसा होने पाए, मसीह की योग्य होने पाए मेरे प्रियो, मसीह की योग्य। लेकिन आज हम जवानों का चाल चलन क्या हो रहा है, संसार के अनुरूप चलता जा रहा है। लोग फटा हुआ पैंट पहन रहे हैं, आज हम भी फटा हुआ पैंट पहनना शुरू कर दे रहे हैं। लोग मेरे प्रियो बाल को जैसा तैसा आज बना रहे हैं, हम भी आज जैसा तैसा आज हम लोग बनाना शुरू कर दे रहे हैं मेरे प्रियो। आज संसार के भीड़ में हम लोग चलना शुरू कर दे रहे हैं। रोमियों 12:2 कहता है मेरे प्रियो कि तुम इस संसार के सदृश ना हो, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। वचन साफ साफ कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम संसार के सदृश ना हो। हमें पास हम संसार के जैसे हम ना बने, लेकिन आज हमारे चाल चलन में आज मेरे प्रियो लोग यीशु मसीह को देखने पाए। और निश्चय इस बात को हम मेरे प्रियो तीमुथियुस समझ पाया कि प्रशिष्ट कलीसिया में वो कैसा जीवन को व्यतीत करेगा, मसीह की योग्य व्यतीत करेगा। जो भी कि वो उम्र में छोटा है, जो भी को मेरे प्रियो वो कम अनुभवी है, लेकिन वो कैसा जीवन को व्यतीत करेगा, वो परमेश्वर के योग्य जीवन को व्यतीत करेगा। बहुत मैं देखता हूँ मेरे प्रियो हमारे जवानों को कि मेरे प्रियो घर में हाँ मेरे प्रियो बहुत ही अच्छा रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बाहर में रहते हैं उनका जीवन क्या रहता है, उठपटांग जीवन रहता है मेरे प्रियो, जैसा तैसा जीवन। मेरे प्रियो इस बात को जाने कि आपको जैसा तैसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया है, दोहरा जीवन जीने के लिए आपको नहीं बनाया है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा अंदर है वही बाहर हो, और जो बाहर है मेरे प्रियो वो अंदर हो। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज हम लोग दोहरा जीवन को हम लोग व्यतीत करें। एक बात को मैं बार बार कहता हूं मेरे प्रियो कि आज हम मसीहों का जीवन कैसा होता जा रहा है मालूम, चर्च में दूत दूत और घर में भूत भूत। मैं इस बात को मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्रियो कि आज हम मसीहों का जीवन कैसा होता जा रहा है, चर्च में दूत दूत और घर में भूत भूत।
मेरे प्रभु, जब आपको जब लोग देखते हैं तब हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब कोई आपको नहीं देखता, जब कोई आपको कोई नहीं टोकता, तब उस समय हमारा जीवन कैसा होता है मेरे प्रभु? संसार के अनुरूप होता है, संसार के लोगों के जैसा होता है। और जब ऐसा चाल चलन होगा मेरे प्रियो, हम लोगों के लिए हाँ एक मसीही छाप नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बन सकते हैं, लोगों के लिए एक नमूना हम नहीं बन सकते हैं मेरे प्रियो। इस बात को आज आपको और हमको जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन मसीह के योग्य हो। फिलिपी 1 उसका 27 पद को पढ़े मेरे प्रियो, फिलिपी 1 उसका 27 पद, जहाँ पर वचन कहता है फिलिपी 1 उसका 27 पद कि चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या तो ना देखूं, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ मेरे प्रियो, सोचिए कितनी बड़ी बात को वचन कह रहा है कि चाहे मैं तुम लोगों को आकर देखूं या तो ना देखूं, तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ मेरे प्रियो, बहुत बार जब लोग आपके जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, हम लोग अच्छे से जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब मेरे प्रियो कोई आपको नहीं देखता है तब हम लोग क्या करते हैं, जैसा तैसा जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको देखता है मेरे प्रियो कि हम लोग कैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और एक दिन मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं, कहावत है कि जो 100 दिन का चोर है वो 1 दिन पकड़ में आ ही जाता है। हाँ, जो 100 दिन का चोर है वो 1 दिन पकड़ ही जाता है। आप जितना भी आप अपने आप को दिखाने का प्रयास करें मेरे प्रियो, लेकिन 1 दिन आपका जो असलियत है, हमारा जीवन है, वो प्रदर्शित हो जाएगा। योहन्ना 1 उसका 47 पद में वचन कहता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने नतनियल को देखकर क्या कहा कि सचमुच में ये सच्चा इसराइली है और इसमें कपट नहीं है। क्या बोला वहां पर? वहां पर नतनियल के विषय में कहा कि सचमुच में यह सच्चा इसराइली है और इसमें क्या है, कपट नहीं है। आज प्रभु चाहता है कि हम मसीहों के चाल चलन में हाँ मेरे प्रियो आज कपट ना होने पाए, हम का दोहरा जीवन ना होने पाए कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। मेरे प्रियो, आप और हम हाथी के दांत नहीं है कि हमारा दिखाने का कुछ और हो और खाने का कुछ और हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या तो ना देखूं, तुम्हारा चाल चलन कैसे हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, और मेरे प्रियो, सचमुच में तिमुथियुस इस बात को वहां पर जी के दिखा दिया कि जो भी क्यों उम्र में छोटा है, लेकिन उसका जो चाल चलन है वो सचमुच मसीह के योग्य है मेरे प्रियो। और जिस कारण से मेरे प्रियो वो क्या किया, इस इफिसुस के मंडली को, इफिसुस को, कलिशिया को क्या कर सका, वो संगठित कर सका, वो बचा सका। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसके जीवन को देखा कि तिमुथियुस ना केवल वो कम उम्र का है, ना केवल वो वचन का प्रचार करता है, लेकिन वो अपने जीवन से भी वो मसीह को क्या करता है, वो जीता है। और वही जीवन आज हम जवानों को भी आज जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हाँ मेरे प्रियो, जैसा आज हमारे मित्रगण जी रहे हैं, जैसा हमारे लोग चाल चलन चल रहे हैं, आज उनसे आपको अलग जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्योंकि आप हाँ, आप और हम यूनिक हैं, आप और हम लोग अलग हैं मेरे प्रियो। हमारे दोस्त यार जो खान पान कर रहे हैं, उस खान पान को हम नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। थोड़ा सा आप गौर कीजिए यीशु के जीवन को और दानियल के जीवन को, जो मेरे प्रियो आज पूरे बाइबल में आज जवानों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक नमूना है मेरे प्रियो, कि उन्होंने संसार के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया, लेकिन मेरे प्रियो हम मसीहों के लिए, हम जवानों के लिए एक नमूना बना दिया, एक आदर्श बना दिया मेरे प्रियो। और इसीलिए आज आपके लिए, हमारे लिए भी हो सकता है कि हमारे चाल चलन में आज कपट ना हो मेरे प्रियो। चाहे कोई हमको बोले या तो ना बोले, कोई हमारे जीवन को देखे या तो ना देखे, मेरे प्रियो आज हमारा जीवन आज मसीह के योग्य होने पाए। और जब ऐसा होगा मेरे प्रियो, आज आपको कहना नहीं होगा, आज आपको बोलना नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन आपके जीवन से स्वयं परमेश्वर की महिमा होगी। और इसीलिए मेरे प्रियो आज हम बहुत ही ध्यान करें, लेकिन मेरे प्रियो उस बोली के साथ में हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो आचरण है, वो भी हाँ मेरे प्रियो बदला हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारे बोली से कहीं अधिक लोग हमारे आचरण को, हमारे चाल चलन को वो देखते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि सचमुच में हमारा जैसा बोली है वैसा हमारा चाल चलन भी होने पाए, तो इसे सुधारने की आज आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, और इसी के साथ में भी परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो, जिसे पौलुस चाह रहा था कि तिमुथियुस के जीवन में क्या प्रदर्शित हो, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। और कैसा प्रेम प्रकट हो मेरे प्रियो? निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो, निस्वार्थ प्रेम। हाँ,
पौलुस वहां तिमोथियस से चाह रहा था कि इफिसुस की मंडली के प्रति तुम्हारा क्या दिखने पाए, प्रेम दिखने पाए, लोगों के प्रति तुम्हारा क्या दिखने पाए, वहां पर प्रेम प्रकट होने पाए कि तुम अपने भाइयों से क्या करते हो, तुम प्रेम करते हो, तुम विश्वासी लोगों से क्या करते हो, प्रेम करते हो। यूहन्ना 13 उसका 35 पद में वचन कहता है मेरे प्रियो कि तुम एक दूसरे से तुम क्या करो, प्रेम करो, इसी से यह प्रकट होगा कि तुम यीशु मसीह के क्या हो, चेले हो। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी बात से प्रकट हो जाएगा तो तुम क्या करोगे कि तुम एक दूसरे से क्या करते हो, प्रेम रखते हो, तुम यीशु मसीह के लोग हो। और मेरे प्रभु इस बात को भली भांति तिमोथियुस क्या किया, बहुत ही ध्यान के साथ में वो सुना और मेरे प्रभु वो इफिसुस की कलीसिया में वो प्रेम को वो प्रकट किया। वो मेरे प्रभु अपने लोगों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, अपने बड़े लोगों के साथ में मेरे प्रभु वो प्रेम के साथ में वो व्यवहार किया। हाँ मेरे प्रभु उनके साथ में वो कड़वाहट के साथ में वो व्यवहार नहीं किया। हाँ मेरे प्रभु, पहला पत्रस उसका 5:2 से लेकर आगे पद में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो झुंड तुम्हें सौंपी गई है, हाँ मेरे प्रभु उन पर तुम क्या करो, उन पर तुम दबाव ना डालो, उनमें तुम अधिकार ना जताओ, लेकिन बहुत ही प्रेम के साथ, नम्रता के साथ में तुम उसकी क्या करो, अगुवाई करो। हाँ मेरे प्रभु, बहुत बार क्या ऐसा होता है कि जब आप और हम, हाँ मेरे प्रभु ऊंचे पदों पर चले जाते हैं तो अपने नीचे वाले लोगों को मेरे प्रभु बहुत बार हम कड़ाई के साथ में क्या करते हैं, हाँ मेरे प्रभु बर्ताव करते हैं, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि जो हम मसीही लोग हैं, हम मसीहों के जीवन में वो प्रेम दिखलाई देना चाहिए, हमारे जीवन से प्रेम प्रकट होना चाहिए मेरे प्रभु। पहला कोरिन्थ 13:4 उसका 4 पद में देखते हैं, वचन कहता है कि जो प्रेम है वो धीरजवंत है, प्रेम जो है वो कृपालु है, प्रेम दान नहीं करता, प्रेम में कड़वाहट नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन जो प्रेम है वो हर एक बातों को क्या करता है, सह लेता है। मेरे प्रियो आज आपके लिए, हमारे लिए भी आज विचारने बिंदु है, क्या आज हम उस प्रेम को अपने लोगों के साथ में हम प्रकट कर पा रहे हैं, हमारे साथ में जो अन्य लोग हैं, हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, क्या उस प्रेम को क्या आज हम प्रकट कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए, हमारे लिए आज विचारने बिंदु है मेरे प्रियो, कि आज हम अपने लोगों के साथ में उस प्रेम को हम प्रकट करें, अपने उस गहरा प्रेम को हम लोगों को हम दिखाएं मेरे प्रियो, ना केवल हमारे बोली से प्रकट हो, हम ना केवल हमारे चाल चलन से प्रकट हो, लेकिन मेरे प्रियो हमारा जो प्रेम भरा जो जीवन है वो प्रकट करें कि सचमुच में हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में निवास करते हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में चलते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे जीवन में चलते हैं। तो आज इसीलिए आज आवश्यकता है मेरे प्रियो, विशेष रूप से हम जवान गण ऐसा जीवन को जीने का प्रकट करें मेरे प्रियो। आज आपको कहना नहीं होगा, आज ऐसा हम बोलना नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, लेकिन सचमुच में जब हम अपना ऐसा बोली को हम मेरे प्रियो आज हम बोलेंगे, ऐसा चाल चलन को, ऐसा आचरण को व्यतीत करेंगे, ऐसा प्रेम भरा जीवन को जब प्रकट करेंगे, उसी से लोग जानेंगे मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। एक मैं पुस्तक में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था मेरे प्रियो उस पुस्तक में। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर लिखा हुआ था मेरे प्रियो कि जो फूलों का जो सुगंध है वो हवा के विपरीत दिशा में वो नहीं बढ़ता है। हवा, हाँ मेरे प्रियो, जो फूलों का जो सुगंध है वो हवा के विपरीत में वो नहीं फैलता है, लेकिन जो एक सच्चा व्यक्ति है उसका जो सद्गुण है, उसका जो अच्छा गुण है, वो मेरे प्रियो चारों दिशा में क्या करता है, फैलता है। हाँ, और ये सच बात है मेरे प्रियो, जो फूलों का जो सुगंध है ना वो मेरे हवा के विपरीत में नहीं वो जा सकता है, लेकिन जो एक अच्छा इंसान का जो सद्गुण है, जो उनका व्यवहार है ना मेरे प्रियो, वो चारों दिशा में क्या करता है, वो फैलता है। और आज हमारा प्रभु ये चाहता है कि हम मसीहों का जो जीवन है, जो हम ज्योति के संतान है मेरे प्रियो, आज हमारे मसीहत को कोई तुच्छ ना जाने पाए, हमारे जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए मेरे प्रियो, लेकिन हमारा जवानी, हमारे जिंदगानी, हमारा मसीहत लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो जाए, बन जाए मेरे प्रियो, एक नमूना बन जाए, हो जाने पाए कि सचमुच में हम लोग बचाए हुए लोग हैं, हम लोग चुने हुए लोग हैं। और जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, आप विश्वास जाने कि आज मेरे प्रियो परमेश्वर का कार्य आज कहीं ज्यादा स्पीड में आज आगे बढ़ेगा। आज मेरे प्रियो कौन सा जमाना है, आज ये 5G का जमाना है मेरे प्रियो, 4G का जमाना है। हाँ मेरे प्रियो, आज मालूम है, आज मेरे प्रियो आज हम हमारे कितने आज जज्बे लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, आज वचन का प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रियो,
लेकिन मेरे प्रियो उस प्रचार करने लेकिन मेरे प्रियो बहुधा मैं देखने पाया अपने पेरिशों में, कुछ पेरिशों में मैं इस बात को मैं देखने पाया कि मेरे प्रियो जो मेरा स्टार्टिंग हुआ जो पुरोहित देवकाई में जो शादी हुआ ना, वो शादी हुआ मेरे प्रियो वो मरम्मती शादी से मेरा स्टार्टिंग हुआ, अर्थात कहा जाए मेरे प्रियो तो वो ढुकुढारा वाला शुरू हुआ मेरे प्रियो। तो सोचिए कि आज हमारे जवान लोग किस अपवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो आज हम लोग क्या करते हैं, आज कैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना, आज मेरे प्रियो आज फैशन की बात हो गई है, आज शौक की बात हो गई है। हम सोचें आज पीना मेरे प्रियो फैशन की बातें हो गई है। हाँ, फैशन की बात, जब मैं कलकत्ता में था मेरे प्रो मैं स्मरण करता हूँ, हाँ मेरे प्रो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पर गया था और इस यूनिवर्सिटी में मैं देखने पाया कि एक जो जवान, एक जो युवती थी, जो लड़की थी, जो बहुत अच्छा जींस पैंट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, मेरी प्रियो वहाँ पर चाय के साथ में वो सिगरेट पी रही थी। हाँ मेरे प्रियो, वो बड़ी घर की लड़की थी, वो चाय के साथ में वो सिगरेट पी रही थी मेरे प्रियो। और उसी के साथ जब मैं अंदर प्रवेश किया, वो अपने पाँवों को फैला के वो बैठी है और मेरे प्रियो क्या कर रही है, एक दूसरी लड़की वो सिगरेट पी रही है। मैं देख के मैं माथा पकड़ा गया कि मैंने बोला कि अरे ये तो यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, ये तो शिक्षा का मंदिर है, लोग वहाँ अपना भविष्य को बनाते हैं और यहाँ पर ये मैं क्या दृश्य मैं देख रहा हूँ। जो हमारे वहाँ पर अगवे गण थे, हाँ मेरे प्रियो उन्होंने कहा कि पादरी साहब ये तो ट्रेलर है, आगे देखिए और क्या क्या होता है। मैंने कहा कि जवानों के बीच में ऐसा भी होता है मेरे प्रियो, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज मेरे प्रियो आज संसार के लोग पी रहे हैं तो आज हम भी पिए, आज ऐसा नहीं हो सकता है, हम जवान ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज दानियल के जैसा हम जवानों को आज सोचना है कि दानियल ने इनकार किया, मैं इनकार करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बनाया है। और आप और हम इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो, पहला कोरिन्थियों 3:16-17 में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या करता है, वास करता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज हम इन बातों को करते हैं तो उस मंदिर को जहाँ पर परमेश्वर वास करता है हम लोग क्या करते हैं, हम उसे गंदगी करते हैं मेरे प्रियो। हाँ, मत्ती 21:13 पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे क्या बनाते हो, डाकुओं का खो बनाते हो। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा लेकिन तुम उसे डाकुओं का खो बनाते हो। मेरे प्रियो, आज हमारे मसीह जवान आज अधिकतर इन लतों में फंसते जा रहे हैं, वे विचार की बातों में फंसते जा रहे हैं, नशापान की बातों में आज फंसते जा रहे हैं और मेरे प्रियो आज अश्लीलता की बातें आज फैलती जा रही है। जहां आप नेट ऑन कीजिए, जहां आप यूट्यूब में आप जाइए मेरे प्रियो, वहां पर आपको गलत गलत वीडियो, नंगी नंगी तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। और मेरे प्रियो ऐसी बातों की ओर हम देखते हुए, ऐसी बातों पर मन लगाते हुए हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपने मन को क्या करते हैं, आज हम कलंकित करते हैं अपनी जिंदगी को, आज गंदगी से हम भर जाते हैं मेरे प्रियो। आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को आज गंदगी से ना भरें। लेकिन जिस तरह से दानियल ने इनकार किया, आज हम भी मेरे प्रियो जवान लोग गांठ बांध लें और आज इन बातों को अपने जीवन से इनकार करें। जिस तरह से मेरे प्रियो यूसुफ ने इनकार किया, व्यभिचार की बातों से भागा मेरे प्रियो, सचमुच में हम जवानों को आज इन बातों से क्या करना है, आज अलग रहने की आवश्यकता है। और यही कारण थे मेरे प्रियो यूसुफ और दानियल हम मेरे पूरे बाइबल में जवानों के लिए एक आदर्श बन गए, एक नमूना बन गए मेरे प्रियो, एक एग्जाम्पल बन गए। जब भी मेरे प्रियो जवानों की बात आती है, हाँ मेरे प्रियो हर रे के स्पीकरों के मुताब सुनेंगे कि दानियल ने ऐसा किया, यूसुफ ने ऐसा किया। इन बातों का सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, जब दानियल कर सकता है, जब यूसुफ कर सकता है मेरे प्रियो, तो आप पर हम भी कर सकते हैं। हाँ, जब दानियल यूसुफ कर सकता है मेरे प्रियो, आप और हम भी कर सकते हैं। इस बात को जाने मेरे प्रियो, हमारे जीवन को परमेश्वर साफ सुथरा देखना चाहता है, पवित्रता भरा जीवन देखना चाहता है मेरे प्रियो। केवल अच्छे कपड़ा पहन लेने से नहीं होगा, केवल कोट टाइप पहन लेने से नहीं होगा मेरे प्रियो, केवल थालर और व्हाइट व्हाइट कलर कपड़े पहन लेने से नहीं होगा, लेकिन अपने हृदय को, अपनी जिंदगी को शुद्ध और पवित्र रखने की भी आज आवश्यकता है। और वहाँ पर मेरे प्रियो इसी बात को वहाँ पर तिमोथियुस को पौलुस दिखा रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे बूढ़ी स्त्रियाँ भी हैं, जवान स्त्रियाँ भी हैं, इसीलिए जब तुम उनके बीच में जब तुम प्रचार करना तो बूढ़ी स्त्रियों को तुम मां समझ के तुम प्रचार करना। रहा वो स्थिर रहा मेरे प्रियो, वो इस विश्वास से वो यहाँ वहाँ नहीं टला।
मित्रों आज हम लोग थोड़ा सा जवान लोग देखें, आज हम मसीह जवान लोग क्या कर रहे हैं, आज थोड़ी सा थोड़ी थोड़ी बातों में आज हम लोग अपने कलीसिया को छोड़ दे रहे हैं, आज हम लोग अपने चर्च को छोड़ दे रहे हैं मेरे प्रियो, अपने विश्वास को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग छोड़ दे रहे हैं मेरे प्रियो, और हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ हम मसीही लोग हैं। दूसरा कोरिन 13 उसका 5 पद वचन कहता है मेरे प्रियो कि तुम अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। हाँ मेरे प्रियो, केवल कहने तो नहीं होगा कि हम मसीह में हैं, हम मसीह को जानते हैं। वचन कहता है मेरे प्रियो कि अपने आप को हम परखे कि हम मसीह में हैं कि नहीं है। मेरे प्रियो वचन कहता है कि आज आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वहां पर झूठी शिक्षा थी मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, क्या ऐसे झूठी शिक्षा में भी हाँ तिमोथियुस क्या रहा, यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर रहा, वो अडिग रहा मेरे प्रियो। वो ना अपना मंडली में झूठी शिक्षा को काम करने दिया, उस कलीसिया में काम करने दिया, ना अपने जीवन में हावी होने दिया। आज आसानी से मेरे प्रियो आज जो झूठी शिक्षा को हाँ मेरे प्रियो आज अपने जीवन में हावी होने दे देते हैं, अपने परिवार में हावी होने देते हैं, अपने मंडली में हावी होने दे देते हैं मेरे प्रियो। और विशेष रूप से आज हम जवान और युवतियां आज हम लोग भटक जा रहे हैं मेरे प्रियो, आज हम जवान युवतियां आज हम लोग देखें कि हम विश्वास में है कि नहीं है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को आपको जानना है, आपके जीवन का उद्धार को कोई कलीसिया नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। उद्धार करने की सामर्थ किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी कलीसिया में नहीं है, लेकिन उद्धार करने की सामर्थ यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। आपके जीवन का उद्धार यीशु मसीह कर सकता है। प्रेरित क्रिया 4 उसका 12 पद में कहता है कि यीशु के छोड़ को, यीशु के नाम को छोड़कर आकाश और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। तो मेरे प्रियो अगर आप जिस भी कलीसिया में हैं, तो अगर उसमें आप स्थिर हैं मेरे प्रियो, आप विश्वास जानिए कि आपका जीवन का उद्धार होगा। रोमी 8 उसका 1 पद में वचन कहता है मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। लेकिन आज मेरे प्रियो बहुत सारे झूठे प्रचारक गण आते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसी बातें आती है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, अपने कलीसिया को छोड़ के आज हम लोग चल जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, हमारे कलीसिया में उद्धार नहीं है, हमारे कलीसिया में शांति नहीं है, हमारे कलीसिया में छुटकारा नहीं है, हमारे कलीसिया में ये नहीं होता है। मेरे प्रियो आज परखने की बात है कि हम विश्वास में है कि नहीं है मेरे प्रियो। इब्रानी 13 उसका 8 पद में वचन को पढ़िए मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहता है मेरे जवानों कि हमारा परमेश्वर आज और कल और युगानु युग एक सा रहने वाला है, वो कभी बदलता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, एक सा रहने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, लोगों के बातों पर विश्वास कर देते हैं और अपने कलीसिया को छोड़कर क्या करते हैं, चल जाते हैं। और यहां तक मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज अच्छे अच्छे लोग आज भटक जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भटक जा रहे हैं मेरे प्रियो। देखने की बात है मेरे प्रियो, हम किस मसीह पर विश्वास करते हैं, किस मसीह पर हम भरोसा करते हैं मेरे प्रियो। जो भी कि विशिष्ट की कलीसिया में इतनी बड़ी चुनौती थी कि विश्वास से भटकाने वाली बातें थी, झूठी शिक्षा थी, लेकिन मेरे प्रियो तिमोथियुस वहां पर जवानी की अवस्था में वो परमेश्वर पर स्थिर रहा। मेरे प्रियो आज आपको और हमको भी हम मेरे प्रियो स्थिर रहने की आवश्यकता, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आपके जीवन का उद्धार केवल आपका यीशु मसीह कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह कर सकता है। और इसी बातों को मेरे प्रियो इफिसुस के कलीसिया के लोगों ने देखा, इफिसुस के मंडली के लोगों ने देखा कि जो तिमोथियुस का जो प्रचार है, प्रचार से कहीं अधिक उनका जीवन तैली है, उनका विश्वास क्या है यीशु मसीह में, पक्का है, मजबूत है मेरे प्रियो। उसका जो चाल चलन है वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है, उनका जो जीवन है वो पवित्रता भरा जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, उनका जो बोली है वो मसीह की योग्य है, उनका जो प्रेम है वो अपने लोगों के लिए प्रदर्शित हो रहा है। और मेरे प्रियो ऐसा जीवन को व्यतीत करके वो मेरे प्रियो ना केवल वो लोगों के लिए एक मिसाल बना, लेकिन मेरे प्रियो निश्चय हम अपने कलीसिया को, उस मंडली को वो बचा पाया। आज आपके लिए, हमारे लिए भी बहुत सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम जवान लोग आज कैसा जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो आज हम लोगों का नकल ना करें, लेकिन हम लोगों के लिए एक मेरे प्रियो एग्जाम्पल बने, एक नमूना बने मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए मेरे प्रियो। एक बात को मैं बोल के मैं अंत करना चाहूंगा, मैंने शुरू में ही एक बात को मैंने कहा था मेरे प्रियो, जो फूलों की जो खुशबू है ना, हाँ मेरे प्रियो, वो हवा के विपरीत में जा नहीं सकती है, नहीं फैलती है, लेकिन जो एक अच्छे व्यक्ति का जो सद्गुण है
वो चारों दिशा में फैलता है। आज हम जवानों का जीवन, हम जवानों का जो सद्गुण है मेरे प्रियो, वो चारों दिशा में आज वो फैलना चाहिए, चारों दिशा में मेरे प्रियो आज पहुंचना चाहिए कि हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है लेकिन मसीही जवान लोग हैं। और ना केवल जवानों के लिए बात है मेरे प्रियो, आज एक एक जो मसीही लोग हैं, जो आज मसीह परिवार है, उनको भी आज ऐसा जीवन जीने की आज आवश्यकता है। और जब ऐसा जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा जो मसीह परिवार होगा, हमारा जो जवानी होगा, हमारा जो जिंदगानी होगा मेरे प्रियो, वो लोगों के लिए हाँ मेरे प्रियो प्रभावशाली होगा, आशीष का कारण होगा मेरे प्रियो। दूसरा कोरिंथ उसका दस पद में वचन कहता है कि जो मसीह का जो पत्री होता है ना, वो प्रभावशाली होता है। हाँ मेरे प्रियो, जो मसीह का जो जीवन है वो कोई साधारण जीवन नहीं लेकिन प्रभावशाली जीवन है। लोगों के जीवन में वो छाप छोड़ना चाहिए, वो प्रभाव डालना चाहिए मेरे प्रियो। हाँ आज मेरे प्रियो, आज हम लोग नकल ना करें कि मैं इसके जैसा बनूंगा, उनके जैसा बनूंगा, लेकिन मेरे प्रियो अपने आप को ऐसा एग्जाम्पल बना दे मेरे प्रियो कि लोग आपके जीवन को देख कर बोलना शुरू करें। हाँ आपके चाल चलन को देखकर बोलना शुरू करें कि इस जवान के जैसा कोई नहीं है, इस बहन के जैसा कोई नहीं है। और मेरे पे जब ऐसा जीवन को व्यतीत करेंगे तो ना केवल मेरे पे वचन का प्रचार होगा, ना केवल लोग आशीषित होंगे, लेकिन मेरे पे इससे परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की स्तुति होगी मेरे प्रियो। तो इसीलिए आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आज संसार के लोग चाहे जैसा भी जीवन को व्यतीत करें मेरे प्रियो, उनके विपरीत आज हमें के को परमेश्वर को भाता हुआ जीवन को जीने की आवश्यकता है। लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए हम प्रियो अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे, अपने रोजगार पे एक आदर्श बनने की आवश्यकता है, एक नमूना बनने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, सचमुच में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाएगी। परमेश्वर हमें के कुछ वचन में अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। आइए एक गीत को हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना के साथ में ही हम लोग अंत करेंगे। सब जानते हैं गीत को, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, चाल से चलन से बोली से वचन से नमूना बनो। दो पद को हम लोग गाएंगे। हाँ नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, भला नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, बोली से वचन से नमो न बनो युवा समय में, बोली से नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने, भला नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने, चाल से चलन से नमो न बनो युवा समय में, चाल से चलन से नमो न बनो युवा समय में, भला नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने। तो मसीह में प्रियो, विगत सालों में मैंने एक स्लोगन को मैंने कहा था, विभिन्न स्थानों पर मैं बाइबल क्लास के लिए मैं गया था, तो उन स्थानों में मैंने कहा था, मैं लोगों को एक उदाहरण दिया था कि सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जब घुसने की बात होती है तो वो सीधा होकर घुसता है। मतलब एक सांप जो है, सांप को भी पता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा होकर वो बिल में नहीं घुस सकता है, लेकिन मेरे प्रियो वो सीधा घुसने से ही वहां पर घुस सकता है। और इसीलिए मेरे प्रियो मैंने लोगों से कहा था कि ना तो इधर जाओ ना तो उधर जाओ, सीधे सुधर जाओ। हाँ मेरे प्रियो, ये मेरे ये स्लोगन था, ना तो इधर जाओ ना तो उधर जाओ, सीधे
सुधर जाओ। आज हम मोतियों को मेरे प्रियो सीधे अपने चाल चलन में सुधर जाना है। नीचे हमारा जीवन प्रचार करेगा और लोगों के लिए हम आशीष कारण बनेंगे। परमेश्वर इन बातों में हम सबको अधिकार शासित देवे। हम प्रार्थना करें अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके महान दया के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपकी बड़ी करुणा हुई है, आपकी बड़ी दया हुई है प्रभु, कि देख हम कुनकोरी प्रेरित युवा संघ के साथ में हम ऑनलाइन बाइबल क्लास के नाम एक दूसरे के साथ में हम जुड़ते हैं प्रभु, और आपके जीवित वचन से हम सुनते हैं, मनन करते हैं प्रभु, और इसके द्वारा आपकी महिमा और स्तुति करने पाते हैं प्रभु। निश्चय पौलुस ने तिमुथियुस के लिए लिखा था प्रभु कि निश्चय वो वहां के लिए आदर्श बन जाए, इफिसुस मंडली के लिए नमूना बन जाए, और उसके जवाने को कोई तुच्छ ना समझने पाए। हाँ महान परमेश्वर उसी तरह से तो आज चाहता है कि हम अपने अपने स्थानों पे इस संसार में मंडली में पेरिस में कलिशिया में, हाँ परमेश्वर हमारा जवानी है, हमारा मसीहत है, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाए, लोगों के लिए नमूना बन जाए, लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इन बातों में तो हमारी सहायता कर, हम एक ही को महान परमेश्वर पिता एक मसीही जीवन जीने में सहायता कर, ताकि हमारे बोली से, हमारे चाल चलन से, हमारे प्रेम से, हमारे पवित्रता से, हमारे विश्वास से वो मसीहत प्रकट होने पाए पिता, और जिसके द्वारा एक एक का जीवन आशीषित होने पाए। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग आज ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, एक एक को वचन की आशीष प्रदान कर, ताकि कोई खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, लेकिन वचन की आशीष अधिकाई से वो प्राप्त करने पाए, और ये समय एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने अगुवाई किया है, अब तक आपने सहायता किया है, आज के समय को, आज के कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए सारी सहायता, सारी अगुवाई हम आपसे चाहते हैं, सारे पापों से क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।